जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनकी ओर से बड़ा बयान सामने आया है। सतीश गौतम ने, बीजेपी के उम्मीदवार अलीगढ़ से, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उनकी ओर से कहा गया है जिन्ना की तस्वीर को फिर से पाकिस्तान भेजेंगे। सुनिए क्या कहा है सतीश गौतम ने। है सतीश गौतम का ये कहना, क्योंकि उनके तमाम आंदोलन के बावजूद जिन्ना की तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जस की तस टंगी हुई है। सुनवा देते हैं आपको क्या कहा उसके बाद। पहले तो क्या मुद्दे होंगे जिनके ऊपर आप लड़ाई लड़ेंगे, दोबारा आप चाह रहे हैं कि लोग आए और आपको वोट करें? देखिए, मेरा युवाओं के लिए एएमयू के अंदर एससी एसटी ओबीसी बच्चों को आरक्षण दिलवाना पहला मुद्दा, स्मार्ट सिटी एनसीआर में शामिल कराना, विकास की राह जो एनएच 93 3 NH बनाए हमने और विकास करना, किसानों के सम्मान के लिए जिस तरह से किसानों को सम्मान मिला है उसको गौरव बढ़ाना, मेट्रो को अलीगढ़ तक सीमा तक लाना, ये हमारा मुद्दा है। ये तो है वो मुद्दे, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा जिसके अंदर आप काफी आप चर्चा में थे वो था एएमयू का जिन्ना वाला मुद्दा। अब मुझे बताइए कि वो तस्वीर तो है अभी भी वहाँ पे, जिन्ना की तस्वीर एक कमरे में लॉक है, उस तस्वीर को निकलवा के पाकिस्तान भेजना, जिसने देश नहीं भेज पाए तो जिसने देश के टुकड़े करे हो, ना तो मेरे कॉलम में नहीं है, आपके कॉलम में नहीं है, भेज देंगे ना सब, ना तो मेरे कॉलम में नहीं, डिक्शनरी में नहीं, ना जो मैं चाहता हूँ वो करता हूँ। अलीगढ़ की जनता मेरे साथ है, युवा मेरे साथ है, जिन्ना तो रह नहीं सकता, अभी कमरे बंद है, उसे निकाल कर पाकिस्तान भेजना। अभी बताइए सिर्फ जिन्ना का मुद्दा है या एक कम्युनिटी की बात करें तो उस पर भी आप ये लगाना चाहेंगे कि कम्युनिटी की भी बात है? मेरा ये है, ये यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ राजा महेंद्र प्रताप की भूमि पर, सर सैयद खान साहब ने किया तो आंखों के हिसाब से किया, लेकिन जो मानसिकता के रूप बैठे इस एएमयू के अंदर वो उस काम को नहीं कर रहे जो सीमा चलना चाहिए, इसलिए हम एससी एसटी ओबीसी बच्चों को आरक्षण दिलवाने का काम करेंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी में तो आरक्षण है अभी भी मुसलमानों के लिए, आरक्षण तो है हिंदुओं के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण नहीं है, जो केंद्र सरकार के अधीन यूनिवर्सिटी होती है उसमें चाहे बीएचयू हो चाहे यूनिवर्सिटी हो एएमयू हो उसमें वो आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। ये आप आरक्षण के लिए लड़ेंगे? 100% लड़ेंगे, लड़ेंगे नहीं, 2 साल के अंदर आरक्षण दिलाएंगे, 2 साल के अंदर आरक्षण दिलाएंगे और जिन्ना की तस्वीर को वापस पाकिस्तान भेजेंगे। वैसे आपको याद दिला दें कि जिन्ना का मामला सतीश गौतम ने ही चिट्ठी लिखकर सबसे पहले उठाया था एएमयू में। जिन्ना की तस्वीर आज भी जस की तस लगी हुई है, और पहले भोपाल में के समय उठाया था रोहित, भोपाल में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया है दिग्विजय सिंह के खिलाफ, और आज इधर वोटिंग के दौरान सतीश गौतम से जब मीडिया बात कर रहा है तो उनका पूरा जोर जिन्ना को लेकर है, जिन्ना की तस्वीर को लेकर है। आप अपनी बात आगे बढ़ाएं रोहित, उसके पहले जल्दी से